हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे कुकर में बाटी और चोखा। ये बाटी चोखा खाने में लाजवाब होता है, बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं टेस्टी चोखा बाटी कैसे बनता है। इस टमाटर को धो के बीच से काट लिए हैं, दो बैंगन को भी छील के धो के काट के पानी में डाल दिए थे, अभी से पानी से बाहर निकाल लिए हैं। 5-6 पीस आलू को भी छील के काट के पानी में डाल दिए थे, अभी इसे भी धो के पानी से बाहर निकाल लिए हैं। कुकर में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब कुकर में कटा हुआ टमाटर डालेंगे, बैंगन भी डाल देंगे, आलू भी डालेंगे। चीज़ों को मिक्स करेंगे। कुकर में ढक्कन लगा देंगे, लो फ्लेम पर 4 सीटी तक पकने देंगे। कुकर में पानी नहीं डालें, ये टमाटर के पानी से ही बैंगन आलू गलेगा। कुकर 4 सीटी ले लिया है, गैस को बंद कर देंगे। कुकर से प्रेशर निकल गया है, अब बैंगन आलू टमाटर को देख लेते हैं। ये तो अच्छे से पक गया है, आलू भी गल गया है और इसमें पानी भी नहीं है। टमाटर अपने पानी से ही पक गया है बैंगन आलू। बैंगन आलू टमाटर को प्लेट में निकाल लेंगे। टमाटर का छिलका निकाल लेंगे। टमाटर बैंगन आलू को इस तरह से दबा दबा के मैश करेंगे। बैंगन आलू टमाटर को मैश कर लिए हैं, अब इसमें 1 चम्मच से कम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डालिएगा। 3 हरी मिर्ची काटे हैं, इसको भी डाल दिए। 4-5 कली कटा हुआ लहसुन डाले, अदरक कटा हुआ इसे भी डाल दिए, 1 बड़ी साइज का कटा हुआ प्याज डाल दिए। मूली को भी काट के रखे हैं छोटा छोटा, इसे भी डाल दिए और कटी हुई बारीक बारीक धनिया भी डालेंगे। 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सब चीज़ों को मिला लेंगे। रेडी है, बाटी बनाने की तैयारी करते हैं। 2 कटोरी गेहूं का आटा चाल के लिए हैं। आटा में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच मीठा सोडा डालेंगे। इन सब चीज़ों को मिलाएंगे। 1/2 गिलास दूध डाल के मिलाएंगे। अब आटा में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका टाइट सा डो लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से अंदाज लग जाएगा कि आटा में कितना पानी चाहिए। हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के इस तरह से और इसको अच्छे से गूंथना है। आटा का टाइट सा डो लग के रेडी है। अब इसका लोई तोड़ेंगे और इस तरह से इसको बाटी बनाएंगे। इसी तरह सभी बाटी को बना के रेडी करेंगे। बाटी पकने के लिए रेडी है। गैस पर कुकर गरम है, इसमें बाटी को डालेंगे। बाटी को कुकर में डाल दिए हैं, अब इसमें ढक्कन लगा देंगे और 2-3 मिनट तक पकने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम लो है। बाटी को पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं, अब गैस को बंद कर देंगे। कुकर को खोल लेते हैं, अब फिर से गैस को चालू कर दिए और बाटी को पलटेंगे। बाटियों को पलट लिए हैं, अब फिर से कुकर में ढक्कन लगा के दूसरी तरफ भी 1 सीटी तक पकने देंगे। फिर 1 सीटी ले लिया है, गैस को बंद कर देंगे। कुकर को खोल लेते हैं क्योंकि प्रेशर निकल गया था। अब फिर से गैस को चालू कर दिए और बाटी को दूसरी तरफ भी अच्छे से हो गया है। अब इन बाटियों को इस तरह से खड़ा कर देंगे। कुकर में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। और बाटी को अलट पलट कर चारों तरफ अच्छे से पकाएंगे। बाटी अलट पलट कर अच्छे से पक गया है।
गैस को बंद कर देंगे। कुकर से निकाल लेना है। में बाटी चोखा बनकर खाने के लिए रेडी हो गया है। बाटी चोखा खाने में लाजवाब होता है। एक बार आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर, कमेंट करिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।